हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरस्टडी क्लासेस। तो आज के इस 5 मिनट सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कोड ऑन वेजेस बिल 2019, जिसे रिसेंटली पार्लियामेंट ने पास कर दिया है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्रियल लॉ से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हमारे लिए बन जाता है आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको जल्दी से हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं, जो कि यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दिसंबर 2019 के लिए अवेलेबल है हमारे पास। तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास एक फ्री यूनिट स्नैपशॉट कोर्स है, जिसमें आपको फ्री समरी नोट्स मिल जाएंगे डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर पेपर टू के लिए, और इसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स को यूनिट वाइज कवर किया गया है और हर एक क्वेश्चन की वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। इसके अलावा एक हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है, जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न में डिजाइंड है जैसा एक्चुअल में एनटीए नेट का एग्जाम होता है। तो वहां पे आपको ढेर सारे एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और इसके अलावा फुल वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको पेपर टू कॉमर्स या फिर मैनेजमेंट उनकी 100% कंप्लीट कवरेज मिलेगी थ्रू वीडियोस, नोट्स एंड एमसीक्यूज। और इन सभी कोर्सेज का कॉम्बो पैकेज भी आप अवेल कर सकते हैं, और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स उस पे अवेल आप कर सकते हैं। चलिए, तो फ्रेंड्स, अगर कोड ऑन वेजेस बिल 2019 की बात करें तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली इसे हमारी पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया है, और अब ये एक एक्ट की फॉर्म में हमारे देश में लागू हो जाएगा। तो कोड ऑन वेजेस बिल 2019, देखिए, इसका अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो हमारी जो लेबर मिनिस्ट्री है उसने डिसाइड किया कि हमारे देश में ढेर सारे लेबर लॉज हैं, लेबर से जुड़े हुए कानून हैं, उन्हें हम मर्ज करके, कंसोलिडेट करके केवल चार कानून, चार कोड्स में कन्वर्ट कर दें। कौन कौन से चार कोड? एक है कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इन चार कोड में हम अपने पूरे लेबर लॉज को कन्वर्ट कर दें, ऐसा डिसीजन लिया हमारी लेबर मिनिस्ट्री ने। तो कोड ऑन वेजेस इनमें से पहला कोड है जिसे पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। देखिए, ये कोड ऑन वेजेस बिल 2019 जो है अब लॉ बन जाएगा, तो ये हमारा जो सेंटर है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसे अलाउ करता है कि वो हमारे पूरे देश के लिए मिनिमम स्टेट्यूटरी वेज डिफाइन कर दे, कि कितने मिनिमम पैसे हर वर्कर को मिलने चाहिए। और इससे क्या होगा, इससे हमारे देश में काम करने वाले 500 मिलियन से ज्यादा वर्कर्स को बेनिफिट मिलेगा। देखिए, कोड ऑन वेजेस के अंदर हम अपने वेजेस से जुड़े हुए जो लॉज हैं उनको मर्ज कर रहे हैं। कौन कौन से लॉज हैं जो कि इसके अंदर आपके मर्ज हो जाएंगे? आपका मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 वो इसके अंदर मर्ज हो गया, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 वो भी इसके अंदर आ गया, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 वो भी इसके अंदर आ गया, और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट ऑफ 1976, जो सारे वेजेस से जुड़े हुए आपके लॉज हैं वो सारे इस कोड ऑन वेजेस के अंदर आपके समा जाएंगे, वो इसके अंदर आ जाएंगे, और सभी के कॉमन प्रोविजंस इसके अंदर ले लिए जाएंगे। चलिए, अगर इस कोड के की फीचर्स की हम बात करें तो बताया, द मिनिमम वेज फिक्स्ड बाय द सेंटर विल नो लॉन्गर बी बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट बट ऑन ज्योग्राफी एंड स्किल्स। तो कौन से एरिया में काम कर रहे हैं और क्या क्या स्किल्स उस काम के लिए रिक्वायर्ड हैं, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट हर ऑक्यूपेशन की मिनिमम वेज जो है स्पेसिफाई कर देगी। और साथ ही साथ ये कोड बात करता है टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस की, कि जो भी आपको अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को पेमेंट करनी है उसे आप टाइमली कर दें। अगर आप अपने वर्कर्स को मंथली बेसिस पे पेमेंट देते हैं तो आप महीने महीने के एंड में, मतलब नेक्स्ट मंथ की 7th तारीख तक वो पेमेंट कर दें, वीकली बेसिस पे करते हैं तो वीकेंड तक कर दें, डेली बेसिस पे करते हैं तो एंड ऑफ द डे आप उनकी पेमेंट कर दें। तो जो हमारा कोड ऑन वेजेस है, इसका मकसद है कि जो भी हमारे प्रोविजंस हैं मिनिमम वेज से जुड़े हुए, टाइमली पेमेंट से जुड़े हुए, उस सबको हम कंसोलिडेट करके एक कोड में ले आए और उनको यूनिवर्सली एप्लीकेबल कर दें हमारे ऑल ओवर दी इंडिया के अंदर। और साथ ही साथ जो भी हमारी मिनिमम वेज होगी उसे हम कंप्यूट करेंगे बेस्ड ऑन मिनिमम लिविंग कंडीशंस। हम देखेंगे कि कितनी वेज हमें रिक्वायर्ड है अपने लिविंग कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए, जो हमें बेसिक नेसेसिटीज है हमारी लाइफ की उन्हें पूरा करने के लिए, उसके बेसिस पे इसके अंदर मिनिमम वेजेस जो है डिफाइन की जाएंगी। इसके साथ साथ जो हमारा नया लॉ है कोड ऑन वेजेस, जो हमारा नया कोड है, उसके अंदर एक ट्राइपार्टाइट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जिसके अंदर आपके ट्रेड यूनियंस यानी कि आपके वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, एम्प्लॉयर्स के भी होंगे और गवर्नमेंट के भी होंगे, जो कि फ्लोर वेजेस फिक्स करेंगे। फ्लोर वेजेस मतलब बेस लेवल वेजेस, मिनिमम वेजेस फिक्स करेंगे फॉर वर्कर्स थ्रू आउट द कंट्री।
साथ ही साथ ये भी फोकस रहेगा कि हम इंश्योर करें कि हमारे मेन और वुमेन के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उनको इक्वल वेज मिले इक्वल काम के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं उनके साथ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन जहां पे नहीं होना चाहिए, ये भी इसका एक फोकस एरिया रहेगा। तो सिंपली मैं कहूँ, ये बात करता है मिनिमम वेजेस की, बात करता है ट्राइपार्टाइट कमेटी की, बात करता है टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस की, और साथ ही साथ नो डिस्क्रिमिनेशन की ये बात करता है। ये उसके कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और साथ ही साथ कौन कौन से लॉज इसमें मर्ज हो जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट बात है इस लॉ से जुड़ी हुई, कोड से जुड़ी हुई, जो कि आपको पता होनी चाहिए। चलिए तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए और हम आपको रिवर्ट करेंगे कि आपने इसका आंसर हमें सही बताया है या फिर नहीं बताया है। चलिए तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक कर दीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा। आपकी क्वेरी है हमारे कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप हमें ये जो मेल आईडी आपको दिया है hello@everstudy.in, यहाँ पे मेल कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमसे बात करने के लिए या फिर व्हाट्सएप करने के लिए इस नंबर का यूज आप कर सकते हैं, और आप हमारी जो ऐप है एंड्रॉयड ऐप है वो भी आप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और आपको कोई भी डिटेल चाहिए हमारे कोर्सेज के बारे में तो आप हमारी जो वेबसाइट है www.everstudy.co.in वहां भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।